सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जब भी हम यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करने के बाद लोग पूरा वीडियो नहीं देखता है, इसलिए इस वीडियो की रीच जो है डाउन हो जाता है। और जब इस वीडियो की रीच डाउन हो जाता है तो यूट्यूब ने इस वीडियो की जो इम्प्रेशंस है देना बंद कर देता है। और जब यूट्यूब ने इम्प्रेशंस देना बंद कर देता है तो इस वीडियो वहीं पर रुक जाता है। और जितना व्यूज़ आया है, जैसे कि मान लीजिए 3-4 व्यूज़ आया है, उसके बाद वीडियो रुक जाता है, इसलिए इस वीडियो पर और व्यूज़ इंक्रीज नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेन तो मुद्दा ये है कि आपने जो वीडियो अपलोड किया है, इस वीडियो मान लीजिए आप 5 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया है, तो यह 5 मिनट में से 4 मिनट लोगों को कैसे आप दिखा सकते हो, ये आपको आइडिया लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप YouTube पर एक न्यू क्रिएटर्स हो, इसलिए लोग आपको पसंद नहीं कर रहा है। जब लोग वीडियो पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद लोगों को लगता है कि आप एक न्यू क्रिएटर्स हो, तो आपको लोग बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो छोड़ के लोग चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे आप लगाएंगे, जैसे कि दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ इम्प्लीमेंट करना होगा, कुछ डेवलप करना होगा, तो कैसे करेंगे आज आप लोगों के साथ ये चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ। सो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, आप जब पूरा वीडियो शूट करेंगे, मान लीजिए आपने एक 10 मिनट का एक वीडियो शूट किया है, तो इस वीडियो में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट बातें आप कही होगी। जैसे कि मान लीजिए आप 20 सेकेंड या 10 सेकेंड का कुछ इम्पोर्टेंट बात आप इस वीडियो पर कही होगी, तो इस पार्ट को आप क्या करना है कि अलग से एडिट करना है, यानी कि एक क्लिप बनाना है। और जब आप वीडियो शूट करने के बाद वीडियो एडिटिंग करेंगे, एडिटिंग करते समय आपको क्या करना है कि उस पार्ट को वीडियो की फर्स्ट पोजिशन पर एड करना है। ऐड करने के मतलब यह होता है कि ऐड करने के बाद आपको नीचे ये टाइप करना है कि कमिंग सन। कमिंग सन का मतलब यह होता है कि इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है, तो लोग क्या करेंगे कि आपकी वीडियो पूरा देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है आपने फर्स्ट पोजीशन पर ऐड किया है। तो जब दोस्तों देखिए, आपने 10 मिनट का वीडियो एडिटिंग किया है और इस 10 मिनट में आपने क्या क्या ऑडियंस को बताया है, ऑडियंस को कैसे पता चले, इसके लिए आपको क्या करना है कि ये 15 या 20 सेकंड का जो पार्ट आपने फर्स्ट पोजीशन पर ऐड किया है, उस पार्ट से लोगों को ये समझ में आएगा कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, इसके लिए लोग आपकी वीडियो जो है पूरा देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो है दोस्तों, समराइज। जैसे कि दोस्तों, समराइज क्या होता है, जब आप वीडियो शूट करेंगे तो वीडियो में तो आप काफ़ी कुछ बोलते होंगे वीडियो के अंदर, लेकिन लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि इस वीडियो में आपने इतना कुछ बताया है, और जो भी बताया है बिल्कुल ख़ास है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बताया है, लोगों को कैसे पता चलेगा। लोगों को पता चलने के लिए दोस्तों आपको और एक चीज़ करना होगा, जब आप ये फर्स्ट पोजिशन पर जब ये वीडियो क्लिप ऐड करेंगे, उसके बाद दोस्तों इस वीडियो की जो मेन चीज़ होता है ना, मेन चीज़ वीडियो की फर्स्ट टाइम आपको कहना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए आपने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है कि सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, तो सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं ये आपने थंबनेल पर लिखा है कि एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन आपको वीडियो की जो शुरू होता है, शुरू 20 सेकंड के बाद आपको क्या कहना है कि 7 दिन में आप 1000 सब्सक्राइबर्स 101% कंप्लीट कर सकते हो। एक तो आपने एक क्लिप फर्स्ट पोजीशन पर ऐड किया है, 20 सेकंड या 15 सेकंड की क्लिप ऐड किया है, और उसके बाद दोस्तों लोगों को जब लगेगा कि 1000 सब्सक्राइबर्स आप 7 दिनों में कंप्लीट कर सकते हो, तो उसके बाद क्या लोग आपकी वीडियो स्किप करेंगे, कभी स्किप नहीं करेंगे। तो यह हो गया दूसरा जो पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तीसरा पॉइंट, जब आप वीडियो एडिटिंग करते हो, आज के डेट में देखिए वीडियो की एडिटिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है YouTube वीडियो के लिए, तो वीडियो एडिटिंग करते समय आपको स्किल जो है डेवलप करना होगा। स्किल आप कैसे डेवलप करेंगे, स्किल डेवलप करने के लिए दोस्तों आपको ऐसे काफ़ी फ्री वेबसाइट होता है, जिस वेबसाइट से आप फ्री वीडियो क्लिप जो है, जो वीडियो फुटेज है, आपको डाउनलोड करना होगा। हर एक बातों में, हर एक चीज़ों में आप ये वीडियो फुटेज लोगों को दिखा सकते हो, उदाहरण के लिए। उसके बाद दोस्तों, जब आप वॉइस करेंगे, वॉइस के साथ ही साथ दोस्तों टेक्स्ट, टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट आप ऐड करोगी तो और भी लोगों को वीडियो देखने में मज़ा आता है, क्योंकि जब आप टेक्स्ट ऐड करेंगे, टेक्स्ट के साथ ही साथ दोस्तों वीडियो की जो टेक्स्ट की जो बैकग्राउंड साउंड होता है, जैसे कि आप कंप्यूटर में टाइपिंग करते हो तो टाइपिंग की एक साउंड होता है, ये फ्री साउंड इफेक्ट मिलता है यूट्यूब पर। तो यही से दोस्तों आप डाउनलोड करके जब आप टाइपिंग ऐड करेंगे, तो टाइपिंग के साथ ही साथ दोस्तों आपको ये मतलब टाइपिंग की जो साउंड है वो भी ऐड करना है। और आज के डेट में लोग प्रोफेशनल वीडियो देखना पसंद करता है, तो प्रोफेशनल आप और कैसे
इम्प्रूव कर सकते हो। प्रोफेशनल वीडियो इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों देखिए, आपके वीडियो पर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना काफ़ी ज़रूरत होता है। आपकी वीडियो जब लोग देखेंगे तो लोगों को बोर ना आए, इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो की बैकग्राउंड में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है। जब वीडियो की बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड करेंगे तो ऐसा एक म्यूजिक होना चाहिए जिस म्यूजिक से लोगों को आपके साथ कनेक्ट हो पाए, लोग म्यूजिक सुने और साथ ही साथ आपने जो प्रोवाइड किया है लोगों को ये चीज़ लोग देख सके। इसलिए आपको ये चीज़ वीडियो जब एडिट करते हो, वीडियो एडिट करते समय आपको इम्प्लीमेंट करना होगा आज की डेट में, तभी जाके दोस्तों आपकी चैनल आप ग्रो कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक वीडियो इस तरह अपलोड करेंगे और आपकी चैनल ग्रो होना शुरू करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको कम से कम 15 से 20 वीडियो इस तरह अपलोड करना होगा, तो भी जाके आपकी चैनल ग्रो करना शुरू करेगा। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सो दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही।